बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपिका स्लाइफ स्टाइल। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज है सैटरडे, तो ब्लॉग शायद थोड़ा लेट से जा सकता है। तो आज है सैटरडे और आज एक स्पेशल चीज़, और अभी लंच का टाइम हो रहा है, अभी 2 बजे नहीं है। तो अभी लंच बनाने जाऊँगी। तो आज लंच में एक स्पेशल चीज़ है जो कि मैंने लाइफ में कभी नहीं बनाया है, और क्या है वो आप सबको दिखाती हूँ। थोड़ी देर वेट करिए तो आप सबको पता चल जाएगा कि क्या है ना, मैंने क्या है वो चीज़ जो कि आज मैं बनाने जा रही हूँ। बनाने का इतना मन नहीं था, बट घर में क्योंकि मम्मी जी और जेठानी दोनों सावन कर रहे हैं तो वो दोनों नहीं छुएंगे, तो मुझे ही बनाना है। मतलब मम्मी जी तो काट के दिया है, मुझे नहीं आता है वो चीज़ करना, लेकिन चलिए बनाती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। फर्स्ट टाइम बनाऊँगी लाइफ में, खाती तो बिल्कुल नहीं हूँ आज तक, छुएंगी भी और कभी भी नहीं खाऊंगी मैं। लेकिन क्या है, कुछ कुछ चीज़ नहीं खाने से भी बनाना तो पड़ता ही है, ससुराल में सब कुछ ट्राई करना पड़ता है। तो चलिए दिखाती हूँ क्या है वो चीज़ और कैसे मैं बनाती हूँ। तो चलिए, तो ये है क्रैब केकड़ा जो कि मेरे जेठ को आज मिला था, तो उन्होंने लेके आया। वो लोग खाते हैं, सभी लोग खाते हैं, मेरे मायके में भी सब खाते हैं। तो मैं बना रही हूँ ये से क्या बोलते हैं इसको, चालकुमड़ा भी बोलते हैं, फिर एसगर्ड, और जिसको जिसको क्या बोलते हैं इसको, सफ़ेद पेठा। हाँ, सफ़ेद पेठा, मैं जिसको जो आता है उससे बना रही हूँ। तो यहाँ पे तेल देके पहले तो केकड़े को जो है फ्राई कर ले रही हूँ। तो पहली बार बना रही हूँ तो देखती हूँ कैसा होता है। केकड़े को पहले फ्राई करके निकाल दे रही हूँ, और मैंने जो है सफ़ेद पेठे को जो है अच्छे से मतलब काट लिया है, और मैंने वहाँ पे फ़ौरन दिया था सूखा मिर्च, तेज़पत्ता और प्याज का फ़ौरन दे के फिर मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक कि इसका पानी ना निकले। पानी निकल कर अच्छे से इस पानी को सूख भी जाना है अच्छे तरीके से, तभी मसाला वगैरह कुछ ऐड करूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा सीझने में समय लगता है, क्योंकि ये लौकी नहीं है, लौकी थोड़ा इससे जल्दी सीझते हैं और ये जो है ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसको ढक ढक के मैं थोड़ी देर के लिए बनाऊँगी। देखिए यहाँ पर पानी मैंने बोला था निकलेगा, तो यहाँ पर पानी निकल गया है। तो जब तक ये थोड़ा पानी वगैरह सूखेगा तब तक और मैं इसको पकाऊंगी, मतलब ये थोड़ा सा सीज जाना है, बॉयल हो जाना है अच्छे से, तभी मैं इसमें मसाला वगैरह ऐड करूंगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत टाइम मैंने 15 से 20 मिनट उसको पकाया है। उसके बाद यहाँ पे जो है नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, यह सब दे के यहाँ पे अच्छे से इसको और 10 से 15 मिनट पकाना है। 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी ढक ढक के फिर इसको, जब तक इसका तेल ना छूट जाए। देखिएगा इसको मैं जब पकाने लगूंगी थोड़ी 10-15 देर बाद इसमें तेल छूटने लगेगा, तब देखने में इसका रंग जो है तब टोटली पूरा अलग हो जाएगा। अभी जैसा रंग वैसा रंग बिल्कुल नहीं रहेगा। अभी इसको सारे मसाला वगैरह ऐड करके अच्छे से पकाती हूँ, तो देखिएगा क्या होता है। बना तो रही हूँ बट पता नहीं सबको कैसा लगेगा, क्योंकि मैं ये टेस्ट भी नहीं करने वाली हूँ। कोई कोई चीज़ होता है ना कि बनाने से थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ पहले कैसा होता है, तो ये तो मैं टेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो अंदाजे से बना रही हूँ, देखते हैं कैसा होता है। अगर अच्छा बना तो ठीक, और नहीं बना तब भी और कुछ कर नहीं सकती। अगर अच्छा बना तो डेफिनेटली बना के मुझे ख़राब नहीं लगा है। मैंने सोचा था कैसा ना कैसा चीज़ है, कैसा लगेगा, बट उतना ख़राब नहीं लगा है। कोई भी चीज़ को ट्राई करने से पहले ही मतलब होता है ना नहीं करना चाहिए, वैसा हुआ है मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी का जो मैंने बोला था रंग टोटली चेंज हो चुका है, यहाँ पर तेल छूटने लग गया है। तो थोड़ी देर और पकाऊँगी इसको, पकने के बाद इसमें जो है मैं क्रैब केकड़ा जो है इसमें दे दूंगी, और केकड़ा देने के बाद 5 मिनट तक थोड़ा और पकाऊंगी कि क्रैब के अंदर थोड़ा सा झोल जो है एब्जर्व हो जाए, तो मतलब अच्छा लगेगा। तो पता नहीं मैं तो बना रही हूँ, अगर थोड़ा खाती तो मैं उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख पाती, तो खाती तो हूँ नहीं, तो आइडिया से बना रही हूँ। और सब कुछ हो जाने के बाद थोड़ा सा इसमें लास्ट में गर्म मसाला थोड़ा सा ऐड करके 5 मिनट थोड़ा और पका के ये जो है रेडी हो जाता है। तो आप सबको आज का ये जो क्रैब है पहली बार बनाया है कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है, और मेरा वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को। तो आज का वीडियो आप सबके लिए यही था, मेरा आज का स्पेशल ब्लॉग। तो
क्रेप जो है पूरा रेडी है, देख सकते हैं आप लोग। और कैसा हुआ है ज़रूर बताइएगा। ये देखिए अभी मैं इसको उतार दूँगी क्योंकि अभी हो गया है। और इसका रंग वगैरह कैसा है और आप लोग इसको कैसे बना के खाते हैं, मतलब जो लोग खाते हैं कैसे बना के खाते हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मिलती हूँ आप सबसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।